हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगोड़ी, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी को एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूँ। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे पेड़ों के नाम के बारे में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। क्योंकि एक अच्छी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें वोकैब पावर हमारी मजबूत होना चाहिए। सो मैंने कुछ पेड़ों के नाम इस वीडियो में कवर किए हैं, तो चलिए हम उन सभी पेड़ों के नाम देखते हैं। जो हमारा पहला पेड़ है वो है नीम का पेड़, और नीम के पेड़ को इंग्लिश में भी नीम ट्री ही कहा जाता है। और अगला कटहल का पेड़, इसको इंग्लिश में जैक फ्रूट ट्री कहा जाता है, अगला पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ को इंग्लिश में सेक्रेड फिग ट्री कहते हैं, और जो हमारा अगला पेड़ है वो है खजूर का पेड़, और खजूर के पेड़ को इंग्लिश में डेट पाम कहते हैं, अगला नारियल का पेड़, और नारियल के पेड़ को इंग्लिश में कोकोनट ट्री कहते हैं, अगला बबूल का पेड़, और बबूल के पेड़ को इंग्लिश में अकाशिया कहते हैं, अगला पवित्र तुलसी, इसको इंग्लिश में होली बैसिल कहते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट ट्री है वो है दालचीनी, और जो दालचीनी के पेड़ को इंग्लिश में सिनेमोन कहते हैं, और जो हमारा अगला पेड़ है वो है बांस का, और बांस के पेड़ को इंग्लिश में बैम्बो कहते हैं, नेक्स्ट वो है तेजपत्र, तेजपत्र को बेलीफ कहते हैं, और जो अगला हमारा पेड़ है वो है सुपारी का पेड़, और सुपारी के पेड़ को इंग्लिश में बिटल नट ट्री कहते हैं, और जो हमारा अगला पेड़ है वो है गुलमोहर का पेड़, और गुलमोहर के पेड़ को इंग्लिश में गुलमोहर ट्री कहते हैं, और जो हमारा अगला पेड़ है वो है बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ को इंग्लिश में बेनियन ट्री कहते हैं, अगला जो है वो है नागफनी, को इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं। अगला अंगूर की बेल, को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेप वाइन, नेक्स्ट मनी प्लांट, जो मनी प्लांट का पौधा आता है उसे इंग्लिश में भी मनी प्लांट ही कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पेड़ है वो है महुआ का पेड़, और महुआ के पेड़ को इंग्लिश में महुआ ट्री ही कहते हैं, महुआ के पेड़ को इंग्लिश में महुआ ट्री ही कहते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है पुदीना, और इसे इंग्लिश में पिपरमिंट कहते हैं, अगला पेड़ जो है वो हमारे पास है चंदन का, और चंदन के पेड़ को इंग्लिश में सैंडलवुड कहा जाता है, और जो हमारा अगला पेड़ है वो है इमली का पेड़, और इमली के पेड़ को इंग्लिश में टैमरिंड ट्री कहा जाता है, अगला जो हमारा पेड़ है वो है सागवान का पेड़, और जो सागवान के पेड़ को इंग्लिश में टिक ट्री कहा जाता है, और जो हमारा अगला पेड़ है वो है देवदारू का पेड़, और देवदारू के पेड़ को इंग्लिश में मस्ट ट्री कहा जाता है, अगला जो हमारे पास पेड़ है वो है शीशम का पेड़, और शीशम के पेड़ को इंग्लिश में शीशम ट्री कहा जाता है, अगला जो हमारे पास पेड़ है वो है एप्पल का पेड़, और एप्पल के पेड़ को इंग्लिश में एप्पल ट्री कहा जाता है, और अगला घास, को इंग्लिश में ग्रास कहा जाता है,
घास को इंग्लिश में ग्रास कहा जाता है। और जो अगला ट्री है हमारे पास वो है मैंगो ट्री, मतलब आम का पेड़, और आम के पेड़ को इंग्लिश में मैंगो ट्री कहा जाता है। आम के पेड़ को इंग्लिश में मैंगो ट्री कहा जाता है। और जो अगला पेड़ है हमारे पास वो है अमरूद का पेड़, अमरूद का पेड़, सो अमरूद के पेड़ को इंग्लिश में गुआवा ट्री कहते हैं, अमरूद के पेड़ को इंग्लिश में गुआवा ट्री कहते हैं। और अगला वो है हमारे पास आंवले का पेड़, अगला आंवले का पेड़, और आंवले के पेड़ को इंग्लिश में गूज़बेरी ट्री कहा जाता है, आंवले के पेड़ को इंग्लिश में गूज़बेरी ट्री कहा जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन पेड़ों के नाम जान सके, समझ सके और अपनी डेली रूटीन में इसे यूज़ कर सके। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।